ब्यूरो चीफ शौकत अली मुनगी, सूबा सिंध, महकमा इतलास सिंध, जिला ठट्टा, वजीर आला सिंध के माउन खसूसी बरए महकमा बहाली खसूसी अफराद सादिक अली मेमन ने कहा है कि सिंध हुकूमत अवाम को पीने के पानी की फराहमी समेत तमाम मतलूबा बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए हर वक्त कोशा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है जो कि अवामी मसाइल हल करने में मसरूफ अमल है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जिला ठट्टा के शहरी और देहाती इलाकों में पानी की कमी और वाराबंदी के मसले को मद्देनजर रखते हुए दरबार हाल मकली में एक अहम हंगामी इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में वजीर आला सिंध के माउन खसूसी बरए महकमा बैनुल सूबाई मामला MPA सैयद रियाज हुसैन शाह शिराजी, PPP जिला जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज अहमद कुरेशी, मोहम्मद हनीफ मेमन, मुमताज अली मेमन, रईस सलीम गंदरूर, अब्दुल हमीद सोमरो, असिस्टेंट कमिश्नर ठट्टा अनीस अहमद अब्बासी के अलावा आप पाशी म्यूनसिपल के और लोकल गवर्नमेंट समेत दीगर मुतालिका अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर आला सिंध के माउनिन खसूसी सादिक अली मेमन और सैयद रियाज हुसैन शाह शिराजी ने आप पाशी और लोकल गवर्नमेंट के अफसरान को सख्ती से हिदायत की कि वो फौरी तौर पर पानी की फराहमी को बिला तातुल यकीनी बनाकर अवाम को परेशानी से बचाया जाए।